जो पंखे के जो आईसी होते हैं ना, मतलब कोई भी गाड़ी या पंखा ऑटो है, ठीक है, कुछ आईसी होते हैं, मतलब है कुछ नए जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तो डायरेक्ट प्रोसेसर में जो पावर आईसी लगा होता है, पावर आईसी में ही दे रहे हैं पंखे के आईसी। जिस तरह ये कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन यहाँ आईसी लगा होता है, पंखा इसके अंदर दे देते हैं। इसी तरह से कैरी डब्बा जो न्यू मॉडल है उसका भी, वैगन आर का भी, उसमें ट्रांसट वगैरह नहीं दिए, उन्होंने आईसी दिए हैं। अब मेहरान है, मेहरान का आईसी दिया ट्रांसटर एनपीएन। पंखे का जितना भी फंक्शन होता है ऑन कराने का, एनपीएन ही ट्रांसटर लगता है। तो एनपीएन आप कैसे, एनपीएन जितना भी है ना, एनपीएन पुरानी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता था कि एनपीएन से वोल्टी बनाते थे, भाई 5 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, वो एनपीएन ट्रांसटर लगा के, तो वो जीनर लगा के एनपीएन। अब जितने दे रहे हैं, अब ट्रांसटर जितना भी है एनपीएन को ग्राउंड पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखो ना, एक छोटा ट्रांसटर है, अब ये हम चेक कर रहे हैं ये। अब हमें नहीं पता क्या है, अब मीटर चेक कर लिया। अब एनपीएन को जितना होगा ना वो ग्राउंड पे लगा। अब ये पॉइंट है, ये ग्राउंड के साथ अटैच है, ठीक है ना। ये अब इन्होंने अक्सर बोर्ड पे ना लिख देते हैं टी, किसी पे लिखा होता है जो कंप्यूटर, हम आजकल कंप्यूटर पे लिखा होता है, तो ये टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी ग्राउंड पे इस्तेमाल किया है, इधर भी इन्होंने ग्राउंड पे इस्तेमाल किया हुआ है। ये ग्राउंड कलेक्टर पे ग्राउंड देते हैं, कलेक्टर पे ग्राउंड देते हैं, एम मीटर से आउट ले लेते हैं बेस को, जो प्रोसेसर को पल्स देगा। पल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की सूरत में आएंगे, किस सूरत में आएंगे, पॉजिटिव सूरत में। पॉजिटिव मतलब 1 इशारा पे 2 वोल्ट पे, इस तरह पल्स आएंगे। तो जैसे पल्स वोल्टेज मिलेंगे इसने ऑन कर देना है, ये ऑन हो जाएगा। ये एनपीएन ही इस्तेमाल होता है जिन्हीं चीज़ों पे, मतलब कोई भी चीज़ ऑन करानी है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूँ, कुछ जगहों पे FAT भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एफएटी FAT, जैसे ये छोटा सा है करोला में अक्सर लगा होता है ये छोटा सा, ठीक है ना, FAT टाइप ट्रांसटर। तो वहाँ भी आप यही NPN ट्रांसटर लगा सकते हैं। आप, आपको नहीं पता यार मैंने ट्रांसटर मुझे चाहिए, आप ये चीज़ देख लो, ये चीज़ ग्राउंड से बोल रही है, ठीक है ना, ये ग्राउंड से बोल रही है, ये NPN ही होगा। अगर ज़्यादा मालूम नहीं है तो ये NPN ही होगा, अगर ग्राउंड से ये काम ले रहे हैं तो। ये पल्स है कि इसने आउट ग्राउंड निकालना है इसने ऑलरेडी। अच्छा, अब ये ट्रांसटर है, आपसे नहीं मिल रहा है NPN, आप बड़ा ट्रांसटर ले लो, जैसे ये सी और डी, सी और डी, ये NPN ट्रांसटर है, ठीक है। सी की जगह पे आप डी लगा सकते हो, डी की जगह आप सी लगा सकते हो, बी ए और बी, ये PNP है। ये अक्सर वोल्टेज पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब ये 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है मेहरान के अंदर, बी के नंबरों में। अगर ये ख़राब है आप ए का भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ डी नहीं लगा सकते, ठीक है। बी ए और बी, ये PNP है, ये पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। जो सी की सीरियल है इसको आप पॉजिटिव पे भी लगा सकते हो, आप इसको आप नेगेटिव पे भी लगा सकते हो, दोनों पे ही लगा सकते हो इसको आप, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव पे लगाना है, बीच में आप पॉजिटिव देंगे, ठीक है ना, आउट आप वोल्टेज ले लेंगे। यहाँ बेस से आप जितने वोल्टेज दोगे, ये समझ, यहाँ आपने 12 वोल्ट दे दिए बेस पे, कलेक्टर पे आपने 12 वोल्ट दे दिए इसको, ठीक है। बेस को आप जितने वोल्टेज दोगे, आपने 2 वोल्ट देने, आपने 5 वोल्ट देनी है, उतने ही वोल्टेज यहाँ से निकलेंगे आउट, ठीक है ना। अगर आपने ग्राउंड पे आप किसी चीज़ की स्विचिंग, जैसे हमारे ये फिर रिले है कट आउट, ये फिर रिले के तौर पे आप इस ट्रांसटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये फिर रिले आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप ट्रांसटर इस्तेमाल, बड़े ट्रांसटर मिलते हैं, ये ट्रांसटर, इस तरह के ट्रांसटर आप लेके इस्तेमाल कर सकते हो। आप बीच में 12 वोल्ट दे दो, जो आपने वहाँ से वोल्टी देने, आपने उसको वोल्टी दोगे आउट वोल्टी निकल जाएंगे, ये उसके तौर पे भी काम कर सकता है। कटौट की जगह पे आप इसकी जगह 5 वोल्ट बना लो, आप इसे 9 वोल्ट बना लो, आपको 78.5, आप कहीं लगा तो 5 वोल्ट की ज़रूरत है, 78.5 लगाते हो, आपको लोड नहीं उठा रहा 78.5, आप NPN ट्रांसफर इस्तेमाल कर लो। आप 5 वोल्ट का जीनर लगाएं, ठीक है, एक रिसेंस लगा दें 1K की, रिसेंस लगा के आगे आपके 5 वोल्ट निकलेंगे, 5 वोल्ट फुल एम्पेयर में होंगे,
आप जितना लोड डालें आपको चलेगा, फुल पावरफुल होगा। 78.5 कितने पैर नहीं होते जितने इसके बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ना, उन्होंने फ्यूल पंप के लिए भी ट्रांसफर दिया, ग्राउंड से अर्थ लिया, फैन के लिए भी, एसी के लिए भी, ठीक है, चेक लाइट के लिए भी इन्होंने ट्रांसफर ही लगाए हैं, तो सारे एनपीएन हैं। अच्छा, अब आपको सबसे बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जो इन्होंने ये ट्रांसफर जो दिया है, ये पीएनपी दिया इन्होंने, ये है कोयल को वापसी करंट, सीडी यूनिट को जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर की तारें तीसरी, ये तीसरी, ये तारें दोनों इसके अंदर आएंगी। एक एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये लिखा होता है ये एन प्लस एन नेगेटिव लिखा हुआ नीचे। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आएंगे, इसी पे आएंगे, यहाँ से होके इसके अंदर आ जाएंगे। और ये आईसी भी रिपेयरेबल है, अगर ये आईसी फट जाता है आपका, ये रिपेयरेबल है। इसमें और भी फंक्शन है, अगर आपका आईसी फट गया है वो एक सेट आपकी डैमेज हुई है, ठीक है ना, अगर कोई समझने वाला ना थ्योरी को। अब देखो, गाड़ी 8 सिलेंडर है, कोई भी आईसी है, जापानी गाड़ियाँ 8 सिलेंडर है, पाकिस्तानी गाड़ी है वो 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, बाकी सिलेंडरों के फंक्शन तो छोड़े हुए ना उन्होंने, आईसी तो वही है ना जो 8 सिलेंडरों में लगता है, ठीक है। अब एक सिलेंडर आपका बंद हुआ है, एक कोयल आप काम नहीं कर रही, एक कोयल के पीछे पूरा आईसी बदल दोगे आप, एक आईसी निकालते हो आप किसी कंप्यूटर से निकालते हो आप, वो एक कंप्यूटर परचेज़ करते हो ये, ठीक है ना, एक कंप्यूटर परचेज़ करते हो आप, इस कंप्यूटर की माली आता है 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार, आप आईसी निकालते हो आप लगाते हो, आपने क्या कमाया, आईसी लगाया ना आपने, आप कस्टमर भी 25 हज़ार ले लोगे, आप कस्टमर तो नहीं बनने, शोर डालेगा या कोई अफोर्ड करता है कोई नहीं करता। अब उसी के अंदर फंक्शन है कि वो 8 सिलेंडर आईसी है, ये इसके अंदर 8 फंक्शन है इसके अंदर, आपको 3 4 4 सिलेंडर आपको 4 इस्तेमाल, अगर 3 सिलेंडर 3 इस्तेमाल बकाया तो खड़े हैं इजाफी, आप उसकी उसको इस्तेमाल कर लो, उसकी अल्ट्रेशन सेटिंग है उसकी, तो वो अगर मैं बताने बैठ जाऊँ वो लंबी प्रोसीजर हो जाएगा, तो वो उसका हल है। अब इसका भी इसी तरह इसका भी यही होता है, अगर एक सेट डैमेज हो गया आपकी, दूसरी इसके अंदर गुंजाइश है, दूसरी जल गई, तीसरी गुंजाइश है, चौथी गुंजाइश है इसके अंदर, वो आप कर सकते हो इसके अंदर।